हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। ये आज विलियम शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक हिस्ट्री बुक में दिए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बुक है जो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ भी है। तो उस हिस्ट्री बुक में मैंने नोट किया हुआ था, मेरे नोट्स में है कि शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके जो ट्रेजिक फ्लॉ है या स्पेशल ट्रेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल ना करना, क्योंकि स्किप करने से बीच में मैं जो इम्पोर्टेंट ट्रेट्स या कुछ क्वालिटी या अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो वो मिस हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले मैकबेथ, जिसे कि हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शेक्सपियर की चार ग्रेट ट्रेजेडी थी, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट। तो मैकबेथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और जो उसका ट्रेजिक फ्लो था, जो उसका ट्रेट्स जिसके लिए वो जाना जाता था, एम्बिशन, इसी के कारण उसकी जो ट्रेजेडी थी वो। फिर सेकंड कैरेक्टर आता है फैलस्टाफ। फैलस्टाफ इनका कैरेक्टर हेनरी फोर्थ में था, स्पेशली पार्ट फर्स्ट में। इसका स्पेशल ट्रेट था लाइट हार्टेड विलेनी, याद रखना इस चीज़ को। जो किंग लियर है ये ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता था, किंग लियर, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा कुछ छलकपट था नहीं, इन्हें सामने जो दिखता था उसी चीज़ को ये मान लेते थे। इसी का फ़ायदा इनकी जो ड्यूटर थी गॉनरिल और रेगन, उन्होंने उठाया। अब डेस्टिमोना किसके लिए जानी जाती है? नेटिव डिवोशन। नेटिव डिवोशन मतलब जो इन्होंने ओथेलो के प्रति जो ज़्यादा डिवोशन दिखाया उसी के कारण इनकी मृत्यु भी हुई। शाइलॉक किसके लिए जाना जाता है? अपने रिवेंज के लिए और ग्रीडफुलनेस के लिए। जो शाइलॉक है वो जाना जाता है अपने रिवेंज के लिए, उसने अपना बदला लिया था बारबेंशो से, और ग्रीडफुलनेस, और वो लालची था, बड़े बड़ी बड़ी कीमतों पर वो सूद पर ब्याज देता था। पोर्शिया बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है, बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, याद रखना। एमोगन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेक्सपियर का कैरेक्टर है, वो फाइडेलिटी के लिए अपने जानी जाती है। इयागो देखिए, इयागो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ओथेलो का, और ये अपनी मालिकनिटी के लिए जाना जाता है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, जैसे मैकबेथ का भी आ चुका है एग्ज़ाम में, लियर का भी आ चुका है, इयागो का भी आ चुका है, पोर्शिया का भी आ चुका है। तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाए। अब देखिए, हम शेक्सपियर के ये चार ट्रेजडी हैं, इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या मिलता है। स्केप्टर हॉन्टेड टेरर जो था यो मिलता है हमें मैकबेथ में, याद रखना इस पॉइंट को। ओथेलो में हमें मिलता है ट्रॉपिकल पैशन, और हैमलेट में हमें मिलता है एग्नाइज्ड टॉर्चर स्प्रिट, और किंग लियर में हमें मिलता है सस्टेन्ड टाइटेनिक फोर्स एंड ट्रेजिक एलिमेंट हमें किंग लियर में मिलता है। तो शेक्सपियर के जो कैरेक्टर थे वे राउंड थे, फ्लैट नहीं थे, याद रखना इस चीज़ को। मतलब जो शेक्सपियर के कैरेक्टर थे वो अपने आप को एडेप्टेबिलिटी से, मतलब बाद में चेंज हो जाते थे, उन्हें पता चल जाता था कि हमारी क्या मिस्टेक है, लेकिन वो बहुत लेट उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते थे। तो उसके कैरेक्टर जो थे वो राउंड थे रादर देन फ्लैट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैंने लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स में एक पॉइंट डिस्कस किया है कि राउंड और फ्लैट कैरेक्टर की कॉन्सेप्ट किसने दी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ सविता अग्रवाल।